हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो भी जाता है तो तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिस्टोसोमा का जो मध्यस्थ पोषक है वो कौन है। ठीक है, घोंगा, मच्छर या फिर मक्खी या फिर भेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भेर। ये क्या है, सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का जो प्रसरण होता है यानी पॉपुलेशन जो होते हैं उसका जो जनसंख्या बोले। ठीक है, तो इसका जो प्रसरण होता है किस पर डिपेंड करता है, आगमन पर, बहिर्गमन पर या फिर स्थानांतरण पर या फिर सभी पर। तो आपको पता है कि प्रसरण का जो मतलब होता है यानी जनसंख्या बढ़ना घटना या फिर क्या कहता है स्थिर रहना। ठीक है, तो ये चीज जो होता है ये तीनों पर डिपेंड करता है, आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आबादी का प्रसरण या फिर जनसंख्या का प्रसरण, पॉपुलेशन का प्रसरण जो डिपेंड करता है वो आगमन, बहिर्गमन और स्थानांतरण तीनों पर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि किसी जीव का विकासी इतिहास क्या कहलाता है। किसी भी जीव के, किसी भी प्राणी आप ले लीजिए, तो उसके जो विकासी इतिहास होते हैं यानी उसका जो विकास होता है तो उसका भी कुछ इतिहास होता है, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह यानी एक ही बार में तो नहीं विकास करते हैं, तो उनका ना कुछ स्टेप होता है, स्टेप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके जो कहे जाते हैं, इसकी हिस्ट्री को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फाइलोजी। क्या कहते हैं उसको, फाइलोजी कहते हैं। ठीक है, इसका इतिहास को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्यूचक द्वारा उत्पन्न होता है, प्रत्यूचक। ठीक है, तो ये कौन सी जोर है, कौन सी बीमारी है, तो ये जो है हेजवर जो एक बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है, हेजवर एक ऐसी बीमारी है जो किसके द्वारा, प्रत्यूजक के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको 70 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसमें आपका 40 क्वेश्चन जो रहता है काफी सिंपल रहता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, हाँ, दो चार क्वेश्चन यानी 15-20 क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो होता है वो हाई होता है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन में आप पकड़ बनाइए, आपका मार्क्स जो होगा हाई मार्क्स आएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका मार्क्स होगा, मार्क्स में पकड़ आपका ज्यादा होगा, अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो काफी मार्क्स आते हैं इससे अगर आपका सिंपल क्वेश्चन में आपको ज्यादा पकड़ होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि एलिफेटरी, ये क्या कह रहा है कि एलिफेटरीज का जो कारक है वो कौन सा, यानी फैक्टर आपको पूछा गया है एलिफेटरीज का। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुचेरेरिया। ये जो है वुचेरेरिया क्या है, एलिफेटरीज का मेन कारक है, यानी फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, एक बीमारी आपको चूज करके निकालना है। तो ये जो बीमारी है ये इन्फ्लुएंजा, ये जीवाणु से नहीं होता है, बाकी ये टाइफाइड, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया, ये सब जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जीवाणु से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, एलर्जन, टीका या फिर एंटीबॉडी या फिर एंटीजन। तो इसको जो कहे जाते हैं ना, इसको कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके प्रति अनुक्रिया होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां, एलर्जी में जो प्रतिरक्षा बनती है, जो प्रतिरक्षा का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं आईजीई प्रकार। क्या कहते हैं, आईजीई प्रकार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 8th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि उत्तक संवर्धन क्या कर रहा है, कि उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी जो विधि है, सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका भ्रूण रेस्क्यू। क्या हो जाएंगे, भ्रूण रेस्क्यू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि की उर्वरक शक्ति या फिर उर्वरक क्षमता भी बोल सकते हैं, तो उर्वरक शक्ति को परिपोषित करने वाला जो जीव समूह है वो कौन सा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा जैविक खाद। ये जैविक खाद क्या करते हैं कि पृथ्वी की जो भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है ना उसको परिपोषित करने वाला जीव समूह है। ठीक है, जैविक खाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11th आपका स्क्रीन पर, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, यानी मिट्टी को और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने के में जो सहायक होते हैं वो कौन से होते हैं।
ठीक है, इनमें से सभी तीनों के तीनों कीटनाशक भी और क्या हो जाएंगे, जैविक खाद भी, यीस्ट भी, ऑल ऑफ दिस आपका ऑप्शन, सॉरी इसका जो राइट आंसर देखा हो जाएगा जैविक खाद, जैविक खाद। ये तो कीटनाशक तो कुछ और ही करता है, ठीक है, यानी जंगल वगैरह मारा जाता है, ठीक है, यानी जो खेर पर खरपतवार होते हैं, यानी जो फिर यानी अपशिष्ट होते हैं वो सब साफ किया जाता है कीटनाशक द्वारा, ठीक है। ये जो होता है जैविक खाद, यह मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय भैंस का भारतीय भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, भैंस का भी वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि मैंगो का नाम है मैंगोफेरा इंडिका, ठीक है, आम का नाम, तो इसका क्या नाम होगा, तो इसका जो नाम ब्यूबेलस क्या है, ब्यूबेलस, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भैंस का वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस, ठीक है, ब्यूबेलस, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी यानी सबसे बेस्ट अगर कोई नस्ल है दुधारू नस्ल वो कौन सी है दूध देने वाला, वो हो जाएंगे होल्स्टीन फ्रीसियन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यीस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, यानी यीस्ट जो है किसका मेन सोर्स है, यीस्ट, तो इसका जो मेन सोर्स है राइबोफ्लेविन का मेन सोर्स होता है यीस्ट, याद रखेंगे, ठीक है, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 15, अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है, अल्कोहल से सिरके का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, 15 नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटोबैक्टर एसिटी अल्कोहल से सिरका बनाने का यानी निर्माण करने का यानी निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर उर्वरक है फर्टिलाइजर है वो कौन सा, ठीक है, संश्लेषित उर्वरक बेसिलस यूरेंजिएंसिस तथा लाइकेन या फिर एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया जो है ये सबसे ज्यादा बेस्ट उर्वरक माने जाते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, शराब यानी जो बनाए जाते हैं जो उद्योग होते हैं कुछ किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वहां जो इस्तेमाल होते हैं यीस्ट का बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है नशीला पदार्थ बनाने में, शराब का निर्माण में, ठीक है, यीस्ट का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस, किसका, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है, ठीक है, पोषक यानी पोषक डीएनए का मतलब समझते हैं जो पोषण को मतलब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो इससे जो संबंध वायरस होते हैं जीनोम क्या कहलाते हैं उसको, ठीक है, तो इसको जो कहते हैं सिंपल सी बात है इसको कहते हैं प्रोफाज, क्या नाम है इसका, प्रोफाज, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, याद रखेंगे जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तुरंत स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना, जो आप नोट बनाएंगे नोट बना के फिर याद करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को एक बार जमकर के शेयर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टमाटर का, तंबाकू का, गोजर का या फिर एर्बोडिप्सिस का, ठीक है, तो यहां जो इसका जो यूज होता है ना इसका यूज किया जाता है तंबाकू का, किसका, तंबाकू का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 21, क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं, तो ये जो विकसित किया जाता है विदेशी जीन के प्रवेशन द्वारा, यानी विदेशी जीन के प्रवेशन द्वारा या फिर उनके प्रवेशन यानी एंट्री द्वारा परजीवी पौधे विकास किए जाते हैं, उनको विकसित किए जाते हैं, उनको डेवलप्ड किए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए, हर एक यानी इंजीनियरिंग जो होता है इंजीनियरिंग में एक फील्ड नहीं है, अलग अलग फील्ड है, अब बनेंगे मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, केमिकलिस्ट इंजीनियरिंग होता है केमिकल के क्षेत्र में, जेनेटिक्स के क्षेत्र में, यानी इंजीनियर का भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो काफी उपयोगी होता है सूक्ष्मजीवी तो वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्मजीवी होते हैं ना इस चेरिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस, ठीक है, ट्यूमीफेसियंस, देखिए सही से पढ़ेंगे, इस चेरिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 23 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की, कौन साइंटिस्ट थे, तो ये जो साइंटिस्ट नाम थे उसके नाम थे स्मिथ एवं नाथन, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 24, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, कैंसर
रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है, रोगी को, यानी कैंसर रोग नहीं, रोगी को जो ठीक करने के लिए किया जाता है वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है ना इंटरफेरोन, किसका इंटरफेरोन का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कौन सा रोग का निदान करने के लिए, कैंसर रोग का निदान करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका स्क्रीन पर, प्रतिजैविक फलेसिविन, यानी प्रतिजैविक फलेसिविन किससे प्राप्त होती है, तो ये जो प्राप्त होती है ना ये होती है एस्परलिस, यानी एस्पर जिलस फ्लेक्स से, एस्पर जिलस फ्लेवर से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाते हैं, परागकण में जो विशेषकर जो विटामिन पाया जाते हैं ना वो विटामिन बी पाया जाते हैं, कौन सा विटामिन, विटामिन बी पाया जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 27 क्या पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागण अपनी जीव क्षमता कितने घंटे के बाद खो देते हैं, तो कितने घंटे के बाद खो देते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रख सकते हैं, 3 घंटे के बाद खो देते हैं, ये जो क्षमता होती है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब एनर्जी लॉस हो जाती है, कैपेसिटी लॉस हो जाती है, पूरा मतलब जीरो लेवल तक पहुंच जाता है 3 घंटे के बाद, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा कि समकाल, क्या करा कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है, ठीक है, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये जो होता है ये गुलाब गोश में, यानी गुलाबवास में, ठीक है, गुलाबवास में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है कि हार्कोगैसम, क्या कर रहा है कि हार्कोगैम्स पुष्प निम्न में से कौन है, हार्कोगैम्स पुष्प जो है निम्न में से कौन है, 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे मदार, ये क्या है, हार्कोगैम्स पुष्प है, यानी फूल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 30 क्या पूछा कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली पर परागण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है पक्षियों के द्वारा, किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा, यानी बर्ड्स में ये देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि इको आरआई एंजाइम्स का स्रोत, इको आरआई एंजाइम का जो स्रोत है, जो इसका जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, तो ई कोलाई, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में 32 क्या पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की जो खोज की वो किसने की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो खोज किया, इसका जो खोज किया था एस कोहन और एच बोयर, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 33 जैव डकैती निम्न में किससे संबंधित है, जैव डकैती, ठीक है, तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका पारंपरिक ज्ञान से भी, और जैव अणु तथा जैव संसाधन एवं जैव संसाधन से जीन को निकालना, जैव संसाधन, ठीक है, ये तीनों से संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 34 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा कि किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, तो इसका जो रिजल्ट हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है इसका, अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा, क्या हो सकता है, अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है, क्या बनाता है, तो ये जो बनाता है पर्यावरणीय निके का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 36 अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है कौन सी अवस्था में, ये जो अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा अगर वृद्धि देखी जाती है तो वो एक्स यानी एक्सपोनेंशियल अवस्था में, कौन सा एक्सपोनेंशियल अवस्था में ये अधिकतम वृद्धि देखी जाती है, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है, ठीक है, तो ये जो कौन से आवास होते हैं, तो मृदा सतह यानी झाड़ी स्थल, वन रेगिस्तान या फिर ग्रास स्थल, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना ये होते हैं रेगिस्तान में, ठीक है, ये ऐसे यहाँ जो होते हैं आवास जो होते हैं मृदा सतह का जो दैनिक तापमान होता है टेम्परेचर होता है वो अधिक बदलता है, ठीक है, रात को खूब ठंडा हो जाता है और दिन को खूब गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 38 विज्ञान को आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ते हैं, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ने का काम करते हैं वो कौन सी विज्ञान है, ठीक है, तो इसको जो कहते हैं ना इसको कहते हैं जीकोलॉजी, क्या कहते हैं, जीकोलॉजी जो करता है वो विज्ञान को साइंस को आनुवंशिकी यानी विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से आनुवंशिकी और पर्यावरण ये दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यानी दोनों के बीच के रिलेशन का जो अध्ययन करते हैं जिस बुक में तो उसको कहते हैं जियोकोलॉजी, क्या बोलते हैं, जियोकोलॉजी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सबक चिक रखा गया सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है, तो सबसे बड़ा जो संग्राहक है वो चट्टाना जो है सबसे बड़ा संग्राहक है, ठीक है, यानी कलेक्टर, ठीक है, यानी कलेक्शन करने वाला, संग्रह करने वाला, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तत्व है वो कौन सा है, यानी पादप के उसको बोलते हैं, पेड़ पौधे के बोलते हैं, ये सब क्या पादप है, तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो ये जो तत्व पाए जाते हैं कार्बन, कौन सा तत्व, कार्बन तत्व पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। छोड़ते भी हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं, अगर याद भी नहीं होता तो प्लीज कम से कम स्क्रीन शॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे, समझ में आए नहीं है, ठीक है। किसी भी हाल में याद रखना, क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा हुआ है, एग्जाम नजदीक आ गया है और आप लोगों का एग्जाम होना ही है, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।